अस्सलामु अलैकुम। आपको भी मुबारक आपा। अल्हम्दुलिल्लाह आपा, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अपनी जरीना को पसंद कर लिए। और आपा, लड़के की वालदा का फोन आया था कि हम लोग मुंह मीठा करने आते। मैं बोली ऐसा कैसा होता, हमारे भी चार लोग हैं, प्रॉपर मंगनी का फंक्शन होना। बोली जी आपा, मान गए, कैसा नहीं मानते आपा। पहले तो ऐसे एक्टिंगा करे कि हमारे बच्चे को ये चीज़ा पसंद ही नहीं है, बहुत इस्लामिक हैं हमारे बेटे। बोले मैं बोली आपा, बच्चे तो ऐसा बोलते ही रहते, तो क्या बच्चों की बात मान लेते। आपा हमारे भी तो कुछ आरज़ू अरमान है ना। अरे आपा, प्रॉब्लम क्या है बोल रहे हैं आप? मंगनी का खाना है, शादी का खाना है, सारा सामान आना है, और तो और लड़के की वालदा क्या बोले मालूम है आपको? हमारे तीनों बेटों के पास अपनी अपनी कार है, मेरा मतलब समझ रहे ना आप? थोड़ा आपा, आपको तो पता है ना जी आपा, इन्हों लॉकडाउन के जब से बेकार बैठे हुए हैं, और तो और 6 महीने का किराया हम लोग बाकी है। फुरखान तो अभी अभी जॉब से लगा, उन्हें लोन को अप्लाई करना, फिर अप्रूव होना, फिर पता नहीं इंटरेस्ट भी कितना होगा, टाइम तो लगता ना आपा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आपा, अल्लाह हाफिज। अम्मी, आप तो बोले थे बच्चा बहुत इस्लामिक है, कुछ भी नहीं होना बोल रहा, फिर ये सब क्या है? बच्चा हमको नहीं बोल रहा, उनकी अम्मा को बोल रहा। तो फिर? फिर क्या, उनकी अम्मा अगर ये बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो बात कुछ और थी। उन्हों अपने बेटे पे ढकेल दे रहे कि उन्हें बोल रहा, हम नहीं बोल रहे, हमको तो सब चाहिए, ये प्लान है, समझी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम समझने की कोशिश भी मत करो, जब तुम्हारी लड़की बड़ी हो जाएंगी ना, तो जब समझ में आ जाएंगे। आखिर वो लोग क्या चाह रहे, क्या क्या मांग रहे? नहीं, वो लोग कुछ नहीं मांगते, बहुत खुददार लोग हैं। ऐसे कमीने खुददार ही रहते, उनके 3 बेटे और 2 बेटियों की शादी कैसे हुई पूरा पूरा बोल के गए। तो अब आपको उनकी बहू में क्या क्या लेके आए उससे कंपटीशन करना है? हमको नहीं करना है अम्मा, तुमको करना है। अगर नहीं करे ना तो तुमको नौकरानी के जैसा ट्रीट करते, समझे? ये कौन सा तरीका है? यही तरीका है बेटे, एक बहू जितना लाती ना, उससे कहीं ज्यादा दूसरी बहू को लाना पड़ता। मगर अम्मी, ये सब चीजें इस्लाम में जायज नहीं है, बिद्दत है, इसराफ है। गैर कौमों के रस्मों को अडॉप्ट करना हराम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अपने बेटियों की शादियां करे थे, वैसा करना आप पे फर्ज है। बेटे वो कल्चर अलग था। तो आपके बोलने का मतलब ये हुआ हमारे नबी का कोई कल्चर नहीं था और हम बहुत एडवांस कल्चर के हैं। बेटे मैंने ये कब कहा? नौस्बिल्ला। बेटे मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारे फ्रेंड्स की कजन्स की जिस तरह शादी हुई है, उस तरह अगर तुम्हारी नहीं हुई तो लोग तुमको अनएजुकेटेड कहेंगे। अम्मी ये मत भूलिए, जितने भी लड़कियाँ आज बगावत कर रहे है वो सारे एजुकेटेड है। घरों से भागकर शादियां करने वाली लड़कियां भी वो सारे एजुकेटेड। सुसाइड करने वाली लड़कियां वो सारे एजुकेटेड। तलाक लेने वाली वो सारे एजुकेटेड। शोहरों पे 498 के केसेस लगाने वाली लड़कियां वो सारे एजुकेटेड। इनमें मैट्रिक फेल कोई नहीं है। तो जाओ फिर लेके आओ कोई एजुकेटेड मर्द का बच्चा जो अपनी माँ को कन्विंस करे। माँ खुद आके बोले हमसे कि मैं जहेज नहीं लूंगी, वरना सारी जिंदगी हमारी जान पे बैठी रहना। लोग जब भी मिले हमसे ये पूछते कि बेटी का रिश्ता हुआ क्या, कोई देखने आया था क्या, ये बातें सुन सुन के हमारे दिल पे क्या गुजरती तुमको मालूम है क्या? तो क्या लोगों के डर से किसी भी भिखारी को करके दे देंगे? बेटी की मर्जी, उसका कैरेक्टर की कोई अहमियत नहीं है। मुझे स्कूल जाना है, देर हो रही।
क्या देख रही हो? मुझे वो लड़की का बायोडाटा देखना है। वो क्यों, कोई नया तमाशा करना है क्या? बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया। मैं देखना चाहती हूँ कि वो मर्द का बच्चा है या नहीं। जरीना, कोई बचकानी हरकत। हेलो जी, कौन जी? आप तैयब साहब ही बात कर रहे हो? जी जी, आप कौन? जी मैं जरीना की फ्रेंड बात कर रही हूँ। जरीना? जरीना कौन? जी वही जिससे आपकी शादी फिक्स हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, फरमाइए, कैसे कॉल किया? जी मैं ये कहना चाह रही थी, सॉरी जरीना ये पूछ रही थी कि शादी के बाद आप पर्दा तो नहीं करोगे? वो तो ज़रूरी है ना, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है और हिजाब तो औरत की शान है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल की कोई भी एजुकेटेड लड़की बुरख़ा नहीं पहनती है। जरीना ने कभी बुरख़ा नहीं पहना है, लेकिन अब शादी के बाद पहनेंगी तो लोग क्या कहेंगे? देखिए, लोगों के डर से अल्लाह का हुक्म वायलेट करना तो शिर्क है, और हम लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज तो नहीं कर सकते, है ना? जरीना के पर्दा करने से, आपकी दाढ़ी रखने से किसी का नुकसान नहीं होता, किसी का घर नहीं बिकता, कोई इंटरेस्ट से पैसे नहीं लेते, ना किसी घर से कोई बच्ची भागती। जी मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा खुलकर बताइए ना प्लीज। देखिए, दूसरे जो लोग वायलेशन कर रहे उससे पूरी सोसाइटी डैमेज हो रही। पर्दा कराने से पहले आप वो वायलेशन को रोकिए। जी मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा खुलकर बताइए ना प्लीज। तैयब साहब, आपको मालूम है ना, लड़की के माँ बाप से कुछ भी खर्च करवाना नाजायज़ है। ये मंगनी, ये शादी का खाना, जहेज, ये सब इस्लाम में नाजायज़ है। जी मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, मगर मैंने साफ साफ बता दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये तो जरीना की अम्मी ने इंसिस्ट किया था कि वो खुद खुशी से देना चाह रहे हैं। तैयब साहब, आप 100 घरों में भी रिश्ते भेजेंगे तो वो लोग यही कहेंगे कि हम खुशी से दे रहे, खुशी से दे रहे, लेकिन ये एक सोशल ब्लैकमेल है, बल्कि ये इमोशनल ब्लैकमेल है। सुनिए, आपकी गाड़ी पकड़े गई तो पुलिस वाले 100 रुपये लिए बगैर नहीं छोड़ते, आपकी गाड़ी अटका देते। उसी तरह ये जहेज भी ऐसे ही है। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी अम्मी सबको बता चुकी हैं, सारे रिश्तेदारों तक ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन अगर अब मैं बात चेंज करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे आप अभी तो बोले ना, लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह का हुक्म तोड़ना शिर्क है। आप बेशक जहेज नहीं होना बोले, सब मर्द यही बोलते, लेकिन गारंटी नहीं देते के शादी के बाद कोई एहसान नहीं जताएंगे। एहसान जताना? इसमें एहसान जताने वाली बात कौन सी है? है, बाद में लड़की को ताने दे दे कर मार डालते कि हम एक ही जोड़े से लेके आए, जहेज ने लिए, दोनों तरफ से भी हम ही करके लाए। हेलो हेलो, आप सुन रहे हो ना? जी जी मैं सुन रहा हूँ।
आप कुछ भी नहीं बोल रहे, शायद आपको मेरी बात बुरी लगी। ऐसा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं देखिए, ऐसी कुछ बात नहीं है। दरअसल मुझे इस वक्त एक मीटिंग में जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो, अरे कट कर दिए। मर्द का बच्चा, शायद मैं इसकी दुम पे पैर रख दी। ठीक है आपा, आप जैसा बोले वैसी होएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। हाँ क्या भाई, किससे बात चल रही थी फोन पे? तैयब की वालदा का फोन था। उन्होंने तो अचानक बात पलट दी। क्या मतलब? क्या कोई नया मुतालबा, कोई नया डिमांड? हाँ है ना नया डिमांड। हाँ? मैंने तो हाँ कर दी। अच्छा, अब आपको किसी भी कीमत पर ये बात माननी होगी, पूरा करना होगा। भाई ये तुम औरतों की बहुत बुरी आदत होती है, लोगों के सामने तो ये कहती हैं कि हमारे शौहर से पूछे बगैर हम कोई फैसला नहीं लेती, और असल जिंदगी में आपने मुझे पूछा नहीं और हर डिमांड को कबूल कर लिया। आप सुन तो लीजिए, आखिर डिमांड क्या है? क्या है डिमांड? क्या अमेरिका को भेजना है, है? क्या फ्लैट दिलाना है? अगर है क्या, क्या डिमांड है? तुम कुछ नहीं कहना, मैं कहूंगा। बेटे ये क्या हरकत की तुमने? अब्बू मैंने क्या किया? उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है, मालूम है तुमको? तो क्या इसमें मेरी गलती है? हाँ है, तुम्हारा कसूर है। तुम ही जाते वक्त बायोडाटा ले गई थी ना साथ, तुम्ही ने फोन किया होगा और तुम ही ने उल्टी सीधी फिलॉसफी पेश की होगी। हाँ, इसीलिए ये रिश्ता टूट गया। तो और क्या करती अम्मी? आपको मर्द का बच्चा चाहिए था ना, मैं देखना चाह रही थी वो मर्द का बच्चा है या नहीं। तो देख लिया, अंजाम देख लिया। अब्बू मैंने ऐसा क्या किया? तुमको पता है तुमने क्या किया? तुमने मेरा एक बोझ उतार दिया। अब्बू साफ साफ बोलिए ना। वो क्या है ना, तैयब की वालदा का फोन आया था, तैयब ने शादी से साफ इनकार कर दिया। मुझे मालूम था ये सब भिखारी रहते। अरे बेटे बात सुन तो लो। अभी क्या सुनना बाकी रह गया अब्बू, जो मालूम होना था वो मालूम हो गया। बेटे तैयब ने कहा मंगनी, शादी का खाना और जहेज ये सब रहा तो ये शादी नहीं हो सकती। आपने तो साफ मना कर दिया होगा। हाँ मैंने भी मना कर दिया। बेटे तैयब की माँ ने सुन्नत के मुताबिक शादी करने को कबूल कर लिया है और तुम्हारी शादी कंफर्म हो चुकी है, जैसा तुम चाहती थी सुन्नत के मुताबिक, और ये कारनामा तुम्हारी माँ का है। अम्मी